हेलो दोस्तों, रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से। इस वीडियो की शुरुआत में मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो आपको एकांत में आराम से देखना है, क्योंकि जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं, जिस गोचर की मैं बात कर रहा हूं, ज्योतिष विद्या में ये एक सबसे बड़ा गोचर गिना जाता है। ये गोचर है शनि देव का। शनि देव, जिन्हें हम ज्योतिष विद्या में न्यायाधीश कहते हैं, वो एक टीचर है, वो कर्मों का भुगतान कराते हैं। उन्हीं के वजह से हम जीवन में साढ़े सती का अनुभव करते हैं और एक धारणा बनी हुई है कि साढ़े सती में लोगों को तकलीफ आती है, लेकिन अपने कर्मों के हिसाब से ही आती है। जिनके कर्म अच्छे हैं उनको साढ़े सती बिल्कुल भी छूती नहीं है, और साढ़े सती में आपको अच्छे बुरे की पहचान भी हो जाती है। ऐसे ग्रह हैं शनि देव जिन्होंने देवी देवताओं को भी नहीं बख्शा। हमें यह समझना होगा कि शनि देव जब भी किसी राशि में परिवर्तन करते हैं तो उस राशि का जो मूल तत्व होता है, चाहे वो अग्नि तत्व की हो, वायु की हो, पृथ्वी की हो या जल की हो, और फिर वो जो राशि है, वो जो दर्शाती है, उसके मुताबिक ही आपके आसपास की दुनिया और दुनिया में जो बदलाव आता है, पूरी दुनिया में, वो आपके सामने मैं थोड़ा रखना चाहता हूं। इससे पहले मैं बता दूं कि किस तरह से ये राशि परिवर्तन हो रहा है। 29 तारीख को जब ये राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि ये मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, ये 29 अप्रैल को होगा और ये शुक्रवार का दिन होगा। फिर जैसे हम जानते हैं कि 2 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे, यानी कि पीछे चलेंगे, और पीछे चलते चलते वो 12 जुलाई को, जो कि मंगलवार है, वो फिर से मकर राशि में आ जाएंगे। यानी कि आप समझ सकते हो कि मई जून है, 2.25 महीना शनिदेव का ये गोचर रहेगा और फिर से वो मकर राशि में चले जाएंगे, और फिर वो पूरी तरह से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 17 जनवरी 2023 को। यहां पर हम कह सकते हैं कि हां, शनि देव पूरी तरह से इस राशि में अब भ्रमण कर रहे हैं। इस चार्ट को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काल पुरुष की कुंडली कहलाती है, जिसमें हमेशा मेष राशि यहां पे होती है। देखिए, मेष राशि अग्नि तत्व की है, उसके बाद में पृथ्वी, फिर वायु, फिर जल, और ये फिर रिपीट होता है, फिर से अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, इस तरह से चलते रहता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि शनिदेव जिस राशि में होते हैं और जिस घर में होते हैं, जैसे कि 2017 से लेकर के 2020 तक, लगभग 20 तक, ये नवम स्थान में थे, जो कि धनु राशि है और ये अग्नि प्रधान राशि है। इस राशि से हम गुरु, गुरुजने, साधु, संत, इनको देखते हैं। शनि देव ने यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वक्त काफ़ी ऐसे लोग थे जिन्होंने, जो बताते थे कि हम साधु संत हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं होते हैं, वो किस तरह से शनि देव की चपेट में आ गए थे। जाकर के देखिएगा क्या हुआ था या नहीं हुआ था। फिर 20 में ही, ये तो ये लगभग 20 को खत्म होकर के यहां पर अभी 20 को आपने देखा होगा, जैसे ही 20 लगी थी और 24 जनवरी थी,
कोविड यानी कि ये वायरस कोरोना ने हमें घेर लिया था, हमें बंदी बना लिया था, हम घर में थे। क्योंकि दसवां घर जो है ये पृथ्वी की राशि है, और मैंने बहुत बार कहा है कि हमारी जो धरती माँ है, पृथ्वी है, इस पे बहुत ज़्यादा इनके साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। यहाँ पर दसवां घर कर्म स्थान भी है, हमने यहाँ पे कर्मों का भुगतान किया और कर भी रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी यह है कि जब 29 तारीख को ये कुंभ राशि में जाएंगे, कुंभ राशि जो कि 11वीं राशि है और कुंभ राशि जो वायु तत्व की राशि है, आप वायु से संबंधित चीजें देखेंगे। दूसरी बात है, इस राशि को न्याय से, जिसे हम जस्टिस और इक्वालिटी कहते हैं, उससे देखते हैं कि क्या हम सभी को एक नजर से देख रहे हैं या हम भेदभाव कर रहे हैं। यहाँ पर शनि देव जब प्रवेश करेंगे, आप देखोगे कि किस तरह से आपको इस दुनिया में आने वाले 2.5-3 साल तक क्या नजर आता है। दूसरी बात, जैसे ही शनि देव 29 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे तो वो युति बना लेंगे, जिसे हम कंजंक्शन कहते हैं, मंगल के साथ, और अपनी तीसरी दृष्टि से वो राहु को देखेंगे। राहु अभी यहां बैठे हुए हैं। जैसे ही ये प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में, तो जो नवमांश बनेगा वो नवमांश तुला राशि का होगा। आप सभी जानते हो कि तुला राशि जो है ये न्याय की राशि है। यहां पे बैलेंस देखा जाता है, यहां पे इक्वालिटी देखी जाती है, और ये शुक्र की राशि है, तो फीमेल्स को लेकर के भी आप कुछ ना कुछ चीजें जरूर देखोगे। अब ये सब जानकारी जो मैंने आपको दी है, इस जानकारी में एक जानकारी फिर से दोहराना चाहूंगा कि जब शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब वो न्याय करेंगे। अब न्याय को आपको समझना होगा, न्याय किसे कहते हैं। हमें पता है कि शनि देव को हमेशा हम 7.5 सती से जोड़ के देखते हैं। जीवन में हमें जब 7.5 सती लगती है तो सभी लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन 7.5 सती का पूरा दारोमदार इस बात पर है कि आप के प्रारब्ध और संचित कर्मा कैसे हैं, उसी के हिसाब से आपको ये चीजें अच्छी 7.5 सती या बुरी 7.5 सती का अनुभव होता है। 29 तारीख को जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो एक तरह से मीन राशि पे 7.5 सती का प्रभाव शुरू हो जाएगा। कुंभ राशि पे ये बीच का समय होगा और मकर राशि पे ये बिल्कुल आखिरी फेज जिसे कहते हैं वो लगेगा। धनु राशि पूरी तरह से 7.5 सती से बाहर निकलेंगे, लेकिन अगर मैं बोलूं पूरी तरह से निकलना तो वो 17 जनवरी 2023 को ही होगा। अब ये सब जानकारी जो मैंने आपको भी दी है, इसके बेस पे या इसके अनुसार हर एक लग्न और हर एक चंद्र राशि पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, हमें ये जानना है। और आप सभी लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि कब मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँ, तो मैं प्रस्तुत हूँ अभी आपके सामने। और मैं आपको सामने ये रखना चाहता हूँ कि अलग अलग राशियों पे, अलग अलग लग्नों पे क्या इसका असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आपके 10वें और 11वें घर के स्वामी होकर के शनिदेव 11वें घर में ही प्रस्थान करेंगे और प्रवेश करेंगे, और वहाँ से वो आपके पहले घर के घर को, 5वें घर को और 8वें घर को देखेंगे। ऐसी परिस्थितियों में मैं देख पा रहा हूँ कि आपको प्रमोशन, पैसे की आवक, अच्छा ग्रोथ, जहाँ से आपने उम्मीद भी नहीं की थी वहाँ से पैसे मिलने की संभावना है। बच्चों को लेकर के थोड़ा बहुत परेशानी आपको हो सकती है, हो सकता है कोई अच्छी बात ना सुनने को पड़े और
आप थोड़े से परेशान हो जाओ। आपने जितनी मेहनत की है अब तक, और अगर सही मेहनत की है तो आपको उसका फल प्राप्त जरूर होगा। सैलरी में बढ़ोतरी, इंसेंटिव मिलना, प्रमोशन मिलना, और अगर आप अभी अभी आपने ग्रेजुएशन किया है, नौकरी ढूंढ रहे हो, तो एक नौकरी आपके लिए आने की संभावना है, या तो फिर कोई दिमाग में बिजनेस और उस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो। इस वक्त आप, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्कहोलिक, यानी पूरी तरह से परिश्रम में लग जाओगे, बहुत काम करोगे और आपको समय नहीं मिलेगा और आपकी इच्छा भी नहीं होगी कि आप मित्र मंडली के साथ में ज़्यादा घूमो फिरो। आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों के लिए आपके नौवें और दसवें घर के स्वामी होकर के शनिदेव दसवें घर में कर्म स्थान में ही बैठेंगे, जहाँ से वो बारहवें घर को, चौथे घर को और सातवें घर को दिखेंगे। खर्चे बढ़ेंगे, आपको परेशान करेंगे। हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशन को, अपने करियर को चेंज करने की बात सोचो, करो भी शायद। आपकी मित्र मंडली में, सोशल, जिसको सोशल सर्कल कहते हैं, उसमें थोड़ा सा आपका मिलना जुलना कम हो सकता है। सैटर्न नहीं पसंद करते हैं, शनिदेव को ये बात पसंद इतनी नहीं है। यात्राएं बहुत होंगी आपकी, और खास करके जहां पर आप पैदा हुए वहां से दूर जाने की संभावना है। अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्रोफेशन के अंदर आपकी ग्रोथ हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी को चेंज करना, या एक ऐसी नौकरी आपको मिल सकती है जो आपका एक सपना हो और वो सपना आपका साकार हो रहा है। फिर शनिदेव जब वापस से वक्री होकर के मकर राशि में आएंगे, तो थोड़ा सा एक परेशानी का समय, एक डिस्टर्बेंस वर्क प्लेस में हो सकता है आपका। अब आप ये देखेंगे कि आपके जितने भी काम अटके हुए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी एक चाल आपको मिल गई है। अपनी माँ का या माँ की सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। अगली राशि जो है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आपके आठवें घर के और नौवें घर के स्वामी होकर के शनिदेव आपके नवम स्थान, नौवें स्थान में प्रवेश करेंगे। यहाँ से वो ग्यारहवें घर को, तीसरे घर को और छठे घर को देखेंगे। ये एक ऐसा समय होगा जब आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अष्टम में शनिदेव थोड़ा सा आपको परेशान कर रहे थे। हाँ, पैसों को लेकर के थोड़ा अभी भी तंगी हो सकती है आपको, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। शनिदेव का भाग्य स्थान में प्रवेश करना, आपके काफ़ी रुके हुए जो काम थे उसको एक चाल मिल जाएगी। आपको शनिदेव इस टाइम पे बहुत सुकून, शांत और धैर्य सिखाने जा रहे हैं। पेशेंस, आप आराम से जो भी काम करो आराम से करो, जल्दबाजी ना करो। विदेश यात्रा भी संभव है। आप अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करोगे, परिश्रम करोगे, और ये परिश्रम का ही नतीजा होगा कि आपके करियर में और आपके कमाई में बढ़ोतरी होगी। थोड़ी बहुत परेशानियां, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ। दांतों को लेकर के थोड़ी परेशानी आ सकती है आपको। अगली राशि जो है वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आपके सातवें और आठवें घर के स्वामी होकर के शनिदेव आपके अष्टम स्थान में, आठवें घर में भ्रमण करेंगे। आठवें घर से वो दसवें घर को, दूसरे घर को और पांचवें घर को देखेंगे। यहां पर पैसों को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के धक्का पहुंचने की संभावना है। जिंदगी में जिसे हम कहते हैं ना कि लाइफ चेंजिंग, ऐसे कोई डिसीजन आप लोगे जिसमें आपकी पूरी जीवन का जो आधार है वो चेंज हो सकता है। शनिदेव का आठवें घर में होना ये भी दर्शाता है कि हेल्थ को लेकर के भी और प्रोफेशन को लेकर के भी परेशानियां हैं। आपके साथ में
काम करने वाले, आपके नीचे जो काम करने वाले हैं वो थोड़ा सा आपके नाम को धक्का पहुंचा सकते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं। आप थोड़ा आपका ध्यान भटक सकता है, आप कन्फ्यूजन में रह सकते हो, आपकी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं, क्योंकि प्रोफेशन में एक गिरावट सी नजर आएगी आपको। आपके बच्चों के साथ में आपके थोड़े मतभेद होने की संभावना है, हेल्थ को लेके इश्यू है, मानसिक परेशानियां होंगी। लेकिन अगर आप शादी करना चाहते हो तो शादी के लिए समय काफ़ी अच्छा है, और अगर शादीशुदा हो और जीवन में थोड़े बहुत तनाव थे आपके शादीशुदा जीवन में, तो अब आपके लिए वो चीज़ें सुधर रही हैं। एक बात आपको और बता दूं कि ये एक बहुत अच्छा समय रहेगा अगर आप कानून से जुड़े हुए हैं, यानी कि लॉयर हैं, जज हैं, या कानून की कोर्ट कचहरी में काम करते हैं, या तो फिर आप मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, दवाइयों से, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, या किसी भी तरह से दवाई से जुड़े हो, आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आपके छठे और सातवें घर के स्वामी होकर के सातवें घर में शनि देव का भ्रमण ये बताता है कि जीवन साथी या बिजनेस का जो पार्टनर है, दोनों पार्टनर के साथ में थोड़ी सी परेशानियां होने की संभावना है। बिजनेस में आपका जो पार्टनर है उससे थोड़ी दूरी बनाए रखे, या समझने की कोशिश करें कि कहीं आपके अगेंस्ट तो कुछ नहीं हो रहा। आपका रिश्ता आपके जीवन साथी के साथ में भी थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है आपको। आपके माता पिता में से किसी की सेहत आपको डिस्टर्ब कर सकती है, आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। काम से संबंधित आप यात्राएं करने की संभावना ज्यादा है। कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप अपना गुरु मानते हो या जिसकी आप एडवाइस लेते हो, और एडवाइस लेकर के कुछ मैच्योर डिसीजन अगर आप लेते हो तो आपको इसका फायदा हो सकता है, बशर्ते आप उनकी एडवाइस सुनो। अगर आप अकेले हैं, सिंगल हैं, और आप एक जीवन साथी की तलाश में हो तो आपकी तलाश यहां पर आकर के रुक रही है, आपको आपका जीवन साथी मिल रहा है। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए आपके पांचवें घर के और छठे घर के स्वामी होकर के शनि देव छठे घर में ही भ्रमण करेंगे, यहां से वो आठवें घर को, बारहवें घर को और आपके तीसरे घर को देखेंगे। ये एक बहुत पॉजिटिव, ये बहुत अच्छा गोचर आपके लिए कहा जा सकता है। ये आपके अगर आप कहीं पे काम करते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपकी जितनी मेहनत है वो रंग ला रही है। अगर आप कंपटीशन में हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो आप कोर्स में पूरी तरह से सफलता नजर आती है। एक खर्चा ही है जो आपके कंट्रोल में नहीं आता और वही आपको परेशान करेगा। विदेश यात्रा भी संभव है। आपको एक बहुत बड़ा ब्रेक, जिसको हम कहते हैं, बहुत बड़ा एक अवसर मिल सकता है प्रोफेशन के अंदर। अगर आप अपनी नौकरी चेंज करना चाहते हो, किसी और जगह पे अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगली राशि है तुला राशि। देखिए, तुला राशि वालों के लिए आपके चौथे और पांचवें घर के स्वामी होकर के ये योग कारक प्लैनेट है शनिदेव, जो पांचवें घर में ही बैठे हैं। कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि अगर, जैसे आप जानते हो, शनि देव परिश्रम करके जो पैसा कमाते हो वो उसी को वो आपके पास टिकने देते हैं। इसीलिए अगर आपने शेयर मार्केट में, स्टॉक में, इन चीज़ों में अगर आप खेलने की कोशिश करोगे, आप औंधे मुंह गिर सकते हो, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अपने आसपास के दोस्त रिश्तेदार, इनसे थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है।
आपके बच्चों की तरफ से खुशखबरी आपको मिलेगी कि उन्होंने उन्होंने कुछ अच्छा किया, लेकिन बच्चों की सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी आ सकती है। बिजनेस करते हैं तो मैं देख पा रहा हूं कि बिजनेस में काफी बढ़ोतरी हो रही है, आपको मुनाफा हो रहा है। अगर आप अपने हॉबी को, अपने अपनी कला को, अपने टैलेंट को, अगर आप अपने प्रोफेशन में उसी का बिजनेस करना चाहो तो यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप अपने जन्म स्थान से, जहां पे आप जन्म आपका हुआ है, वहां से दूर जाकर के अगर आप पढ़ाई करने का मौका मिले तो आपको जरूर जाना चाहिए। चाहे फिर वो दूसरे स्टेट में हो, विदेश में हो, आपके लिए समय अच्छा है। ये एक बहुत अच्छा समय है आपके लिए, बिजनेस में बढ़ोतरी हो रही है और सेहत को लेकर भी टाइम बिल्कुल सही है, कोई कुछ खास इतना परेशानी की बात नहीं है। अगली राशि जो है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके तीसरे और चौथे घर के स्वामी होकर के शनिदेव आपके चौथे घर में भ्रमण करेंगे। चौथे घर से वो आपके छठे घर को, दसवें घर को और आपके लग्न को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ी बहुत परेशानियां प्रोफेशन में हो सकती है, अनचाहा खर्चा हो सकता है जो आपको परेशान रख सकता है। घर में भी, क्योंकि चौथे घर में शनिदेव हैं, तो थोड़ी बहुत घर में कलह होने की, वो कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, झगड़ा बोलते हैं, ये हो सकती है। घर के कुछ सदस्य की तबीयत खराब होने से आप पे परेशानी आ सकती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में आपका ध्यान भटक सकता है, पढ़ाई रुक सकती है, पढ़ाई में ध्यान मतलब जो आपने उम्मीद लगाई थी उस तरह से पढ़ाई ना कर पाओ तो आपको ज़रा ध्यान लगाना होगा। बिजनेस में भी थोड़ा बहुत गिरावट दिखती है इस वक्त, और अगर आप कुछ कोई एक बीमारी से बहुत दिनों से जूझ रहे थे तो उस बीमारी में आपको राहत मिल रही है, आपके लिए समय अच्छा है बीमारी से बाहर निकलने का। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों के लिए आपके दूसरे और तीसरे घर के स्वामी होकर के शनिदेव अब आपके तीसरे घर में प्रवेश करेंगे और यहाँ से वो पांचवें, नौवें और बारहवें घर को देखेंगे। सबसे पहली बात तो है, थोड़ा सा दो ढाई महीने के लिए आपके साढ़े सती पूरी तरह से ख़त्म हुई है तो एक आपको बहुत अच्छी राहत मिल रही है। आपने जो भी परिश्रम किया, जितना भी झेला साढ़े सती में, उसका आपको परिणाम मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, नया जॉब मिलेगा। माँ की सेहत का ख्याल आपको रखना होगा। आपको आध्यात्मिक या तो धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी, आप उस पे काम करोगे। अगर आप की इच्छा है, बहुत दिनों से आप और आपकी पति पत्नी जो भी है प्लान कर रहे हो एक बच्चे की प्राप्ति के लिए, तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। अगर आपका कोई, जिसको हम हॉबी कहते हैं, कोई चीज़ें जो आपको पसंद है आती है करना, अगर उसी को आप अगर अपना प्रोफेशन बनाना चाहो, अपने इंटरेस्ट को प्रोफेशन बनाना चाहो, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आपके पहले और दूसरे घर के स्वामी होकर के शनिदेव आपके दूसरे घर में ही भ्रमण करेंगे और वहाँ से वो आपके चौथे घर को, आपके आठवें घर को और आपके लाभ स्थान को, ग्यारहवें घर को देखेंगे। ये जो इतनी सारी परेशानियां आप इतने समय से झेल रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता ये परेशानियां मकर राशि वालों के लिए दूर होती जा रही है। पैसा अभी भी जिस तरह से आप सोच रहे हो उस तरह से नहीं आ रहा, इसीलिए आपको थोड़ा सा सोचना होगा खर्चा करने से पहले कि अभी समय है। पूरा पूरी राहत जो मिलने जा रही है, थोड़ा सा आपको मिलेगी, वो 17 जनवरी के बाद ही मिलने वाली है, तो अभी पैसों को बचाइए। घर का वातावरण अच्छा रखिए, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में मधुरता रखिए। ये एक अच्छा समय है। अगर आप बिजनेस करते हैं और ख़ास करके आप अपने फैमिली बिजनेस में हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। आप मुनाफा कमा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं आपको, अगर आपने अच्छा परिश्रम किया है। अचानक से रुका हुआ
या किसी को दिया हुआ पैसा भी लौट के आ सकता है आपके लिए। अगली राशि है कुंभ राशि, आपके 12वें घर के और आपके लग्न के यानी कि पहले घर के स्वामी होकर के पहले घर में ही शनि देव प्रवेश करेंगे। पहले घर से वो तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को देखेंगे। साढ़े सती का बीच का जो फेज है आपके लिए शुरू हो गया। थोड़ा ध्यान रखिएगा अपनी सेहत को लेकर के और मेंटल प्रेशर, क्योंकि आपको भी समझना है कि आपके चंद्रमा के ऊपर से शनिदेव गुजर रहे हैं तो मेंटल इश्यूज परेशानी आ सकती है। प्रोफेशन को लेकर के चेंज करने का आपके मन में विचार आ सकता है। ये अच्छा समय है अगर आप अपने जीवन साथी के साथ में मधुरता अगर नहीं रही है तो लाने की कोशिश कीजिए, ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आपको एक जरूर अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप किसी चीज के साथ जुड़ करके, किसी के साथ जुड़ करके काम करने की आपको एक अवसर मिल सकता है और उस प्रोफेशन को आप आगे लेके जा सकते हो। इस समय आपको थोड़ी सी सुस्ती, कहते हैं हम सुस्ती करना या आज के काम को कल पे टाल देना, कल के काम को परसों पे टाल देना, ये चीज़ को आपको छोड़ना होगा। आपको मेहनत करनी होगी क्योंकि बिना मेहनत के शनिदेव आपको कुछ नहीं देने जा रहे। आपने पिछले आपके जितने कर्म हैं, चाहे वो संचित है, प्रारब्ध कर्म है, जितने अच्छे काम किए हैं उसका भी आपको फल मिलने जा रहा है। शनिदेव देंगे, पक्का देंगे। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि की, जो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आपके 11वें घर और 12वें घर के स्वामी होकर के आपके 12वें घर में ही शनि देव प्रवेश करेंगे और साढ़े सती की शुरुआत हो जाएगी। ये एक ऐसा समय है जहां पर विदेश जाना या जहां पर आप रहते हो यहां से जगह चेंज करना, ये संभावना है। खर्चे बढ़ेंगे, पैसों को बचा के रखना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने की संभावना है। खर्चे जब भी करो सोच समझ के करो। हेल्थ को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, 12वें घर से 6ठे घर को भी देख रहे हैं। आपकी नींद, 12वां घर जो है वो नींद बताता है, सोना, आपकी नींद जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। मैंने अपने वीडियो में काफी समय बताया कि साढ़े सती जब भी शुरू होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। चोट लगना, छोटी सी चोट भी लगने की संभावना, खास करके पैरों में या सर पे। तो चलते चलते रास्ते पे भी गिर जाना और उसके वजह से फ्रैक्चर तक भी होने की संभावना है। इसीलिए आपको बहुत केयरफुल रहना होगा जब आप बाहर निकलते हो, एक्सीडेंट से ख्याल रखना अपना। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप में पूरी तरह से वो ऊर्जा है, वो क्षमता है कि आप ये जो एग्जाम है इसमें आप सफल होंगे। तो दोस्तों ये था मेरा विश्लेषण 12 की 12 राशियों पे, लग्न पे। लेकिन क्या मेरा ये विश्लेषण खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक इतना बड़ा जो गोचर होने जा रहा है इस पे मैं समय समय पर आपको चेतावनी देते रहूंगा, बताते रहूंगा। ये तो बात थी लग्नों पे और राशियों पे, अब दुनिया में इसको लेकर के क्या क्या बदलाव आपको नजर आएंगे उस पे भी बात करेंगे हम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और अगर कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।